नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज का राशिफल जानेंगे ज्योतिष आचार्य विष्णु शर्मा जी के साथ। नमस्कार, आज हम जानेंगे ज्योतिष में 12 राशियों का शुभ फल। आज दिनांक 13 सितंबर 2018 भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि 2:51 दोपहर तक स्वाति नक्षत्र गुरुवार और तुला राशि का आज चंद्रमा है। चंद्रोदय रात्रिकाल 9:38 पर उदय होगा। जो गणेश चतुर्थी का व्रत उपवास करेंगे वो इस समय चंद्र भगवान को अर्घ प्रदान करें। 12 राशियों में प्रथम राशि मेष राशि है। मेष राशि के आज का दिन व्यवहार शांत रखें, किसी से वाद विवाद में ना रखें, मेहनत करते रहें, आर्थिक लाभ होगा तथा स्वभाव को शांत रखें और किसी कार्य में अनावश्यक न दौड़ें, निश्चित सफलता के योग बन रहे हैं। आगे है वृषभ राशि। वृषभ राशि में मन को स्थिर रखें, किसी के कहने पर ना है, आकस्मिक लाभ होगा, सामान्य खर्चे का योग है, मित्र वर्ग से लाभ होगा, कुटुंबी जनों के मतभेदों में ना पड़े और अपनी निर्णय शक्ति को मजबूत रखें, मन स्वभाव स्थिर रखें। मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातक आज ध्यान रखें, व्यवसाय में सामान्य उतार चढ़ाव रहेगा, थोड़ा बोलचाल पर अपना संयम रखें, सामान्य धन हानि के योग हैं लेकिन संयम से जो आप वर्तेंगे तो आर्थिक लाभ निश्चित रहेगा, भगवान गणपति की उपासना करें। कर्क राशि। कर्क राशि के जातक सोच समझकर किसी बात पर निर्णय लें, स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान रखें, किसी से वाद विवाद में ना उलझें, अपने मान हानि ना हो इस पर ध्यान अवश्य रखें और मन को किसी कार्य में ना भटकाएं, कोई भी निर्णय लेने से पहले सोच समझकर निर्णय लें। आज का दिन आपके लिए प्रगति और उन्नति रहेगी, इस सोच समझकर आपको निर्णय लेना होगा। आगे है सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए राजकीय पक्ष से लाभ होगा, व्यवसाय में सफलता मिलने के योग बन रहे हैं, आर्थिक उन्नति के योग बन रहे हैं, सामान्य स्वास्थ्य संबंधी ध्यान रखें और आकस्मिक धन लाभ के योग बन रहे हैं, वडील वर्ग का अपमान ना करें, बोलने में थोड़ा सामान्य ध्यान रखें जो किसी का मन दुख ना हो, इस प्रकार से किसी वाद विवाद में ना पड़े। आगे है कन्या राशि। कन्या राशि को जातकों के लिए किसी विचार ना करें, किसी बात पर नकारात्मक ना सोचें, मन को स्थिरता रखें तथा अपने कार्य में मेहनत करते रहें, कार्य में सफलता के योग बन रहे हैं, निश्चित लाभ होगा, मानसिक चिंता ना करें तथा अपने कुटुंबी जनों और परिवार जनों को सहयोग प्रदान करें। आगे है तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए मन को विचलित ना करें, कहा कि डर को मन में ना बैठाएं, अपने कार्य में मन से स्थिरता करते हुए आगे बढ़ते रहें, किसी कारणवश किसी का मन ना दुबाएं, आर्थिक पक्ष सामान्य मध्यम रहेगा, आज के दिन आपका मन थोड़ा चंचल रहेगा, मन थोड़ा भटकेगा लेकिन मन में स्थिरता लाने का प्रयत्न करें, कुटुंबी जनों के साथ वाद विवाद ना करें, सामान्य दिन आपका आज मध्यम रहेगा, आर्थिक योग प्रगति पर है लेकिन मेहनत करते रहिए, जरूर सफलता मिलेगी। वृश्चिक राशि।
वृश्चिक राशि मन को आज स्वभाव शांत बनाए रखें। सामान्य संघर्ष का योग बन रहा है, आर्थिक स्थिति सुधरेगी, मेहनत थोड़ा रखें। सामान्य किसी कामकाज के लिए मुसाफरी का योग बन रहा है, मेहनत करें, सफलता निश्चित हाथ लगेगी। धनराशि, आज का दिन आपके लिए सामान्य संघर्षमय रहेगा। स्वास्थ्य प्रति ध्यान रहे, आर्थिक उन्नति के योग बन रहे हैं। मानसिक चिंता ना करें, किसी कारणवश परिवारजनों में मतभेद ना करें, मेहनत करते रहें, मन सामान्यतया विचलित रहेगा। स्वभाव शांत बनाए रखने से स्थिरता रहेगी। अपने व्यवसाय में कार्य प्रति ध्यान रखें, मित्र वर्ग से वाद विवाद ना करें, सफलता निश्चित रहेगी। मकर राशि, आज का दिन आपका मुसाफरी प्रवास के योग बन रहे हैं। आकस्मिक धन लाभ रहेगा, मानसिक चिंता ना करें, मित्र वर्ग कुटुंबीजनों से लाभ रहेगा, वडिलों की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। थोड़ा मेहनत करने का योग बन रहा है, लेकिन निश्चित सफलता आज आपके हाथ में रहेगी। कुंभ राशि, भावनाओं को मजबूत रखें, विरोधी पक्ष दूर होगा, थोड़ा व्यवसाय में आपको दौड़ना पड़ेगा। सामान्य मेहनत के योग हैं, आर्थिक लाभ बनते दिखाई रहे हैं। स्वभाव को मन थोड़ा शांत रखें, कुटुंबीजनों से वाद विवाद में ना पड़े और मेहनत करते रहें, प्रयत्न करते रहें। व्यवसाय में आगे लाभ के योग बन रहे हैं। वाहन थोड़ा चलाते समय ध्यान रखें। मीन राशि, किसी प्रकार का जल्दीबाजी में निर्णय ना लें, व्यवसाय में सफलता के चांस बन रहे हैं। बोलते समय थोड़ा संयम रखें, कुटुंबीजनों का आदर भाव रखें। सामान्य खर्चे का योग बन रहा है, मन खुश रखें और किसी वाद विवाद में ना पड़े। स्वभाव को शांत बनाए रखें। आज का 12 राशियों का सुफल यह था, फिर मिलेंगे जरूर। कल मिलेंगे फिर ठीक 8 बजे एक नए राशिफल के साथ।